हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल शेरा व्लॉग्स। मैं आपका फ्रेंड राहुल शेरावत। आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो यूएस वीजा के बारे में है। तो ये वीडियो अमेरिका टूरिस्ट वीजा जो B1 B2 है उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं इस वीडियो में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। आपका सब्सक्रिप्शन कहीं ना कहीं हमको मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए और वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। इनकेस आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट में मैंशन कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी आपको वीजा असिस्टेंस आपको चाहिए तो ये 9643960456 पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको पूरा वीजा के लिए सपोर्ट करते हैं, आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, यूएस B1 B2 वीजा के अंदर जो बेसिक चीजें चाहिए होती है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, मैं 1 by 1 वो आपके लिए पढ़ देता हूँ। DS-160 फॉर्म के बारे में चलिए हम बात कर लेते हैं। DS-160 फॉर्म के अंदर आपको ये फॉलोइंग डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी होती है, जिसमें आपको आपकी इनकम के बारे में, सोर्स ऑफ इनकम, कंपनी नेम, ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी होती है। ट्रैवल हिस्ट्री में आपको जो भी आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री रही है वो आपको प्रोवाइड करानी है। आपको जहाँ भी आपने ट्रैवल किया है वो उसमें कॉलम होते हैं, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में प्रोवाइड करानी होती है। इसके बाद आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन में जो भी आपने पढ़ाई की हुई है उसके बारे में सभी डिटेल्स, आपका एजुकेशन का कॉलम होता है उसमें आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी होती है। इसके बाद ट्रैवल प्लान, आपका क्या ट्रैवल प्लान है, आप कहाँ पर स्टे करेंगे और आप कितना, आपके पास बजट है इस ट्रिप के लिए, ये सभी क्वेश्चन आपको फिल करना होता है। उसके बाद आ जाता है आपकी पासपोर्ट डिटेल्स। तो ये सारी डिटेल्स जब भी आप DS-160 फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो ये सारी डिटेल्स आप कहीं पेपर पर नोट डाउन या फिर ये सारी चीज़ें आप अरेंज करके रख लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इसके बाद जब आप DS-160 फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको वीज़ा फ़ीस पे करनी होती है। वीज़ा फ़ीस जो है US की लगभग $160 है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। ये पेमेंट आप एक्सिस बैंक के थ्रू या फिर ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। इसमें आपका जो $160 आपको पे करना होता है और इंडियन रुपीज़ में की बात करें तो इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है मैंने यहाँ पर 77.34 जो कि अभी रेट चल रहा है। तो इसके अलावा इसके अकॉर्डिंग इसका अमाउंट आ जाता है 12,374, ये आपको इंडियन रुपीज़ में पे करना होता है। इसके बाद आपको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट आपको लेनी होती है VFS ग्लोबल के साथ, जहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट्स आपको देने के लिए आपको उस पर्टिकुलर डे आपको जाना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होगा वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर पासपोर्ट अपना ओरिजिनल लेकर जाना है, साथ में कलर 2 फोटोकॉपी लेके जाइए। इसके बाद जो है आपको 2 फोटो अपने साथ कैरी करना है जिसमें कलर फोटोग्राफ होने चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में हो और मैट फिनिश पेपर पर हो, जिसका साइज़ है लगभग 50 mm x 50 mm और उसमें 80% फेस का क्लोजअप होना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए कोई भी वाइट कपड़ा ना पहने जब आप फ़ोटो क्लिक कराने जा रहे हैं। इसके बाद आपको जब आपका बायोमेट्रिक हो जाता है उसके बाद आपको इंटरव्यू का ऑप्शन होता है, आपको इंटरव्यू देना होता है एम्बेसी के साथ। हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जब आप एम्बेसी जाते हैं तो ऑलमोस्ट 0 डॉक्यूमेंट्स हैं आपको, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं सुना कि वहाँ टूरिस्ट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा चेक होते हैं। तो अगर आप लेके जा रहे हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए तो आप लेके जा सकते हैं जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जिसमें पे स्लिप है, अपने बैंक स्टेटमेंट ज़रूर कीजिए साथ में कैरी। अगर NOC आपने लिया हुआ है तो NOC आप लेकर जाइए। इसके बाद अपना अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, बैंक स्टेटमेंट लेके जाइए आप, इन केस अगर कुछ होता है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर लेके जाइए। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो अगर फिंगरप्रिंट्स के लिए जाना है तो आपको VFS जाना है, और अगर दिल्ली से है तो दिल्ली में आपको शिवाजी मेट्रो स्टेशन में के अंदर ही VFS ग्लोबल का सेंटर है, वहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट्स आपको देने होंगे। और आपको मेज़नाइन से भी एक नीचे लेवल होता है जहाँ से मेट्रो स्टार्ट होती है, वहाँ पर आपको US का सेंटर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह देना होंगे। और इंटरव्यू के लिए आपको US एम्बेसी जाना होगा, जहाँ पर चाणक्यपुरी में हमारी एम्बेसी है और नियर बाय स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी उसके पास में ही है। देखिए, जो US का वीज़ा है वो सबसे डिफ़िकल्ट वीज़ा माना जाता है। अगर वीज़ा मिलता है तो 10 साल का मिलता है, अदरवाइज़ वीज़ा नहीं मिलता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।